यूपी के फतेहपुर जिले में मरीज के तीमारदार के साथ जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने अभद्रता कर डाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। जिसके बाद वीडियो का संज्ञान लेते हुए डिप्टी सीएम ने सीएमओ को एक सप्ताह के अंदर जांच पूरी कर कार्रवाई के निर्देश ट्विटर हैंडल के माध्यम से दिया है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। फतेहपुर जिले के अस्पताल में तैनात आर्थो सर्जन डॉक्टर नितिन सिंह द्वारा अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष में घायल महिला के लिए बाहर से इंजेक्शन लाने को कहा गया था, जिसको लेकर सर्जन और मरीज के तीमारदारों में झड़प हो गई थी। विवाद के दौरान डॉक्टर ने तीमारदार के लिए जूता मारूंगा जैसी अभद्रता भाषा का प्रयोग किया। ये डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की इस खबर पर नजर, जहां उत्तर प्रदेश में हो रही है खुलेआम महिलाओं से अभद्रता। फतेहपुर जिले के अस्पताल में तैनात आर्थो सर्जन डॉक्टर नितिन सिंह द्वारा अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष में घायल महिला के लिए बाहर से इंजेक्शन लाने का एक मामला सामने आया। जहां आपको बता दें, ये मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के जमरावा निवासी बाइक सवार पवन कुमार और उसकी पत्नी माया देवी को अचाकापुर के समीप पिकअप ने टक्कर मार दी, जिसमें पति पवन कुमार की मौत हो गई है और घायल महिला को लेकर रिश्तेदार जब जिला अस्पताल के इमरजेंसी पहुंचे थे, जहां जिला अस्पताल में तैनात ऑर्थो सर्जन डॉक्टर नितिन सिंह द्वारा अस्पताल के इमरजेंसी कक्ष में घायल महिला के लिए बाहर से इंजेक्शन लाने को कहा गया, जिसको लेकर सर्जन और मरीज के तीमारदारों में झड़प हो गई। विवाद के दौरान डॉक्टर ने तीमारदार के लिए जूता मारूंगा जैसी अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया, जहां जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो वायरल होने के बाद डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने ट्वीट भी किया है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में